13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। बैसाखी वैसे तो पूरे भारत का एक प्रमुख त्योहार है, परंतु विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों की रबी की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसीलिए बैसाखी पंजाब और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्योहार है और सिख इसे सामूहिक जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। अमृतसर में उस दिन एक मेला सैकड़ों साल से लगता चला आ रहा था, जिसमें उस दिन भी हजारों लोग दूर दूर से आए थे। अंग्रेजों की मंशा, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय नेताओं और जनता ने खुलकर ब्रिटिशों का साथ दिया था। 13 लाख भारतीय सैनिक और सेवक यूरोप, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में ब्रिटिशों की तरफ से तैनात किए गए थे, जिनमें से 43,000 भारतीय सैनिक युद्ध में शहीद हुए थे। युद्ध समाप्त होने पर भारतीय नेता और जनता ब्रिटिश सरकार से सहयोग और नरमी के रवैये की आशा कर रहे थे, परंतु ब्रिटिश सरकार ने मॉन्टेगु चिनसफोर्ड सुधार लागू कर दिए जो इस भावना के विपरीत थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पंजाब के एक क्षेत्र में ब्रिटिशों का विरोध कुछ अधिक बढ़ गया था, जिसे भारत प्रतिरक्षा विधान 1915 लागू करके कुचल दिया गया था। उसके बाद 1918 में एक ब्रिटिश जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति नियुक्त की गई थी, जिसकी जिम्मेदारी ये अध्ययन करना था कि भारत में विशेषकर पंजाब और बंगाल में ब्रिटिशों का विरोध किन विदेशी शक्तियों की सहायता से हो रहा था। इस समिति के सुझावों के अनुसार भारत प्रतिरक्षा विधान 1915 का विस्तार करके भारत में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, जो आजादी के लिए चल रहे आंदोलन पर रोक लगाने के लिए था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को और अधिक अधिकार दिए गए थे, जिससे वह 30% सेंसरशिप लगा सकती थी, नेताओं को बिना मुकदमे के जेल में रख सकती थी, लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी, उन पर विशेष ट्रिब्यून लो और बंद कमरों में बिना जवाबदेही दिए हुए मुकदमा चला सकती थी आदि। इसके विरोध में पूरा भारत उठ खड़ा हुआ और देश भर में लोग गिरफ्तारियां दे रहे थे। गांधी जी। गांधी तब तक दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध करने का आह्वान किया, जिसे कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने और अधिक नेताओं और जनता को रॉलेट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया और कड़ी सजाएं दी। इससे जनता का आक्रोश बढ़ा और लोगों ने रेल और डाक तार संचार सेवाओं को बाधित किया। आंदोलन अप्रैल के पहले सप्ताह में अपने चरम पर पहुँच रहा था। लाहौर और अमृतसर की सड़कें लोगों से भरी रहती थी। करीब 5,000 लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे थे। ब्रिटिश सरकार के कई अधिकारियों को यह 1857 के गदर की पुनरावृत्ति जैसी परिस्थिति लग रही थी, जिसे न होने देने के लिए और कुचलने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। अंग्रेजों के अत्याचार। आंदोलन के दो नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर काला पानी की सजा दे दी गई। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के उप कमिश्नर के घर पर इन दोनों नेताओं को रिहा करने की मांग पेश की गई, परंतु ब्रिटिशों ने शांतिप्रिय और सभ्य तरीके से विरोध प्रकट कर रही जनता पर गोलियां चलवा दी, जिससे तनाव बहुत बढ़ गया और उस दिन कई बैंकों, सरकारी भवनों, टाउन हॉल, रेलवे स्टेशन में आगजनी की गई। इस प्रकार हुई हिंसा में 5 यूरोपीय नागरिकों की हत्या हुई। इसके विरोध में ब्रिटिश सिपाही भारतीय जनता पर जहां तहां गोलियां चलाते रहे, जिसमें 8 से 20 भारतीयों की मृत्यु हुई। अगले 2 दिनों में अमृतसर तो शांत रहा, पर हिंसा पंजाब के कई क्षेत्रों में फैल गई और 3 अन्य यूरोपीय नागरिकों की हत्या हुई। इसे कुचलने के लिए ब्रिटिशों ने पंजाब के अधिकतर भाग पर मार्शल लॉ लागू कर दिया। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां जा पहुंचे थे। जब नेता बाग में पड़ी रोड़ियों के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सबके हाथों में भरी हुई राइफलें थी। नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से शांत बैठे रहने के लिए कहा। गोलीबारी। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1,650 राउंड गोलियां चलाई गईं। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था और चारों ओर मकान थे।
भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों से पट गया। जलियांवाला बाग कभी जली नामक आदमी की संपत्ति थी। शहीदी कुआं बाग में लगी पट्टिका पर लिखा है कि 120 शख्स सिर्फ कुएं से ही मिले। शहर में कर्फ्यू लगा था, जिसे घायलों को इलाज के लिए भी कहीं ले जाया नहीं जा सका। लोगों ने तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिनमें से 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और एक 6 सप्ताह का बच्चा था। अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। आधिकारिक रूप से मरने वालों की संख्या 379 बताई गई, जबकि पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार कम से कम 1300 लोग मारे गए। स्वामी श्रद्धानंद के अनुसार मरने वालों की संख्या 1500 से अधिक थी, जबकि अमृतसर के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर स्मिथ के अनुसार मरने वालों की संख्या 1800 से अधिक थी। करतूत बयानी। मुख्यालय वापस पहुंचकर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को टेलीग्राम किया है कि उस पर भारतीयों की एक फौज ने हमला किया था, जिससे बचने के लिए उसको गोलियां चलानी पड़ी। ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'डायर ने इसके उत्तर में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर को टेलीग्राम किया कि तुमने सही कदम उठाया, मैं तुम्हारे निर्णय को अनुमोदित करता हूँ। फिर ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर मार्टिन ओ'डायर ने अमृतसर और अन्य क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाने की मांग की, जिसे वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने स्वीकृत कर दिया। जांच। इस हत्याकांड की विश्वव्यापी निंदा हुई, जिसके दबाव में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इरविन मॉन्टेगु ने 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया। कमीशन के सामने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने स्वीकार किया कि वह गोली चलाकर लोगों को मार्च देने का निर्णय पहले से ही लेकर वहां गया था, और वे उन लोगों पर चलाने के लिए दो तोपें भी ले गया था, जो कि उस संकरित रास्ते से नहीं जा पाई थी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने पर 1920 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर को पदावनत करके कर्नल बना दिया गया और अप्रिय सूची में रख दिया गया। उसे भारत में पोस्ट न देने का निर्णय लिया गया और उसे स्वास्थ्य कारणों से ब्रिटेन वापस भेज दिया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स ने उसका निंदा प्रस्ताव पारित किया, परंतु हाउस ऑफ लॉर्ड ने इस हत्याकांड की प्रशंसा करते हुए उसका प्रशस्ति प्रस्ताव पारित किया। विश्वव्यापी निंदा के दबाव में बाद को ब्रिटिश सरकार ने उसका निंदा प्रस्ताव पारित किया और 1920 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर को इस्तीफा देना पड़ा। 1927 में प्राकृतिक कारणों से उसकी मृत्यु हुई। उधमसिंह नगर पहले नैनीताल जिले में था, लेकिन अक्टूबर 1995 में इसे अलग जिला बना दिया गया। इस जिले का नाम स्वर्गीय उधम सिंह के नाम पर रखा गया है। उधम सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के पश्चात इन्होंने ही जनरल डायर की हत्या की थी। इस हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। विरोध। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध स्वरूप अपनी नाइट ढोट को वापस कर दिया। आजादी के लिए लोगों का हौसला ऐसी भयावह घटना के बाद भी बस नहीं हुआ, बल्कि सच तो ये है कि इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की चाहत लोगों में और जोर से उफान मारने लगी। हालांकि उन दिनों संचार और आपसी संवाद के वर्तमान साधनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, फिर भी ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। आजादी की चाह न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश के बच्चे बच्चे के सिर चढ़कर बोलने लगी। उस दौर के हजारों भारतीयों ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को माथे से लगाकर देश को आजाद कराने का दृढ़ संकल्प लिया। पंजाब तब तक मुख्य भारत से कुछ अलग चला करता था, परंतु इस घटना से पंजाब पूरी तरह से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो गया। इसके फलस्वरूप गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। ऐसी ही
जानकारी के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।